वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल पॉइंट। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं सीडीएस जनरल बिपिन रावत नहीं रहे, हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की गई जान। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया है। वायुसेना ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। हेलीकॉप्टर में सवार 14 लोगों में से 13 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी निधन हो गया है। जनरल का शव आज शाम तक दिल्ली लाया जाएगा। हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें से एक ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अभी इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। जनरल बिपिन रावत के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताते हुए ट्वीट किया, जनरल बिपिन रावत एक उत्कृष्ट सैनिक थे, एक सच्चे देशभक्त। उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में बहुत योगदान दिया। उनके निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत वायुसेना के MI-17 विराज हेलीकॉप्टर से बुधवार दोपहर करीब 3 बजे निर्धारित लेक्चर देने के लिए कुन्नूर जिले के वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहे थे। हेलीकॉप्टर ने सुलूर एयरबेस से उड़ान भरी थी और वेलिंगटन जा रहा था। इस दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए हैं। ये लोग भी थे सवार। हेलीकॉप्टर में सवार अन्य लोग ब्रिगेडियर यलियस लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, नायक विवेक कुमार, नायक बी साई तेजा, हवलदार सतपाल और पायलट शामिल थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल हिस्टोरिकल पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।